अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट में कुछ थ्योरीज के नाम मैंने आपको बताए थे। आज हम मैनेजमेंट के चैप्टर मोटिवेशन में एक नया सवाल शुरू करेंगे। ये सवाल है हमारा स्टेट थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन एज गिवन बाय मैकग्रेगर प्रेजेंटेड टू सेट्स ऑफ अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ पीपल डिस्कस। अच्छा, ये पेपर 2009, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन हर साल ये सवाल आया है तो इतना अहम इम्पोर्टेंट आप अभी क्वेश्चन सेंड कर देगा। ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अगर साथ साथ लिखें, उससे होगा कि कुछ लिखना जरूरी है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि देखें, वो बच्चे जो ये समझते हैं बस हमें पीडीएफ मिल जाए, हम लिख लें, हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, ये चीज जो ना उन बच्चों को नुकसान देती है। असल में देखें, बड़ों को पता होता है, माँ बाप अगर बच्चों को डांटते हैं समझाते हैं ना तो वो उनके भलाई के लिए होता है ना। इसी तरह अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये पहले लिखें फिर याद करें, तो यकीनन मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि अगर आप लिख के याद करेंगे तो आपका क्या स्कोप रहेगा, क्या आपकी तैयारी होगी, और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट पीडीएफ मांग के उसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका क्या लेवल होगा, आई नो वेरी वेल। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर लिखें फिर याद करें। बहरहाल मैं दे दूंगा बिल्कुल आपके ग्रुप में, लेकिन ये लिख कर आप मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, हो सके तो मुझे भी तस्वीर भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नाउ मैकग्रेगर साहब जो थे, सर मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है जहां तक पढ़ाया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है नगीना, और मैं उम्मीद करता हूं बाकी जो बच्चे हमारी इस वक्त क्लास में मौजूद हैं इन्होंने भी यकीनन लिखे होंगे। कुबेदा भाई आप भी मौजूद आ गए हैं, तो जरा काइंडली ग्रुप्स में मैसेज कर दें कि क्लास को ज्वाइन ना हो करके, कि भाई क्लास शुरू हो गई है ज्वाइन ना हो करके मैसेज कर दें, क्योंकि बच्चे मुझे कम लग रहे हैं, एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ कम है, तो प्लीज आप ये मैसेज कर दें। अच्छा जी, अ मैनेजर हु इज ऑटोक्रेटिक। अभी मैं थ्योरी एक्स की पहले बात शुरू करूं, ये मैकग्रेगर ने थ्योरी दी थी और ये 1950 की थ्योरी है। 1950 में ये थ्योरी दी गई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बाय मैकग्रेगर। मैकग्रेगर इज वन ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट साइंटिस्ट। ही डेवलप्ड टू कंट्रास्टिंग मोटिवेशन थ्योरीज व्हिच ही नेम्ड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स इज एक्सप्लेन्ड बिलो। यानी कि सबसे पहले हम ये मैकग्रेगर ने दो थ्योरीज दी और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। इसने दो बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरीज दी और दो अलग अलग किस्म के लोगों पर जाकर वो फीडबैक दी। ठीक है ना, पहले हम बात करते हैं थ्योरी एक्स की। थ्योरी एक्स में देखें क्या लिखा हुआ, अ मैनेजर हु इज ऑटोक्रेटिक। एक मैनेजर है जो कि ऑटोक्रेटिक है, यानी कि सख्त मिजाज रखने वाला है। अ मैनेजर हु इज ऑटोक्रेटिक, एक मैनेजर है जी जो कि सख्त मिजाज रखने वाला है। सेंट्रलाइजेस पावर एंड अथॉरिटी। ओके, अ मैनेजर हु इज ऑटोक्रेटिक यानी कि बहुत सख्त मिजाज रखने वाला है। सेंट्रलाइजेस पावर एंड अथॉरिटी यानी कि वो चाहता है कि सारी पावर उसी के पास रहे, सारी पावर उसी के पास रहे, किसी और के पास पावर ना हो। एंड बिलीव्स इन क्लोज कंट्रोल, और क्या करता है, क्लोज कंट्रोल पर बिलीव रखता है। क्लोज कंट्रोल मतलब बिल्कुल ही नजरें रखता है, उसको दाएं बाएं नहीं होने देता, बहुत ज्यादा उस पर नजरें रखता है, और अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है कि जिससे उसको खतरा हो या उसकी किसी भी बात को ना माना जाए, फौरन उसको वो देख रहा होता है और उस पर वो फौरन एक्शन लेता है जिस पर वो बुरा मान जाता है व्हाटसोएवर। तो इसमें ये भी बताया गया कि अ मैनेजर हु इज ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइजेस पावर एंड अथॉरिटी एंड बिलीव्स इन क्लोज कंट्रोल एंड शॉटगन मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय थ्योरी एक्स। कि एक जो मैनेजर होता है जो कि ऑटोक्रेटिक होता है और सेंट्रलाइज पावर सारी पावर अपने पास रखता है, देखता है, वो क्या करता है, दिस जो उसका बिहेवियर होता है कि जरा से भी कोई मसला करे उसको फौरन पकड़ लेना, उसको सजा देना, उसको डांटना फटकारना, ही हैज ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल है, पुराना तरीका है।
शुरू से ही तरीकाकार यही चला आ रहा है, किसी भी लीडरशिप को कंट्रोल करने का तरीका यही चला आ रहा है। द फॉलोइंग दिस थ्योरी हैज द फॉलोइंग अजम्पशंस, द थ्योरी हैज द फॉलोइंग अजम्पशंस। नंबर वन, एन एवरेज पर्सन डिसलाइक्स वर्क एंड अवॉइड इट व्हेनेवर पॉसिबल, यानी कि एक एवरेज बंदा क्या है, वो अवॉइड करता है काम को और उसको नापसंद करता है, यानी कि एन एवरेज पर्सन डिसलाइक्स वर्क, हर बंदा तकरीबन एवरेज बंदा क्या करता है, काम को डिसलाइक करता है, नापसंद करता है, एंड अवॉइड इट व्हेनेवर पॉसिबल, और जब जब ये पॉसिबल होता है कि काम वो ना करे तो हमेशा उसको अवॉइड करता है, काम को अवॉइड भी करता है हमेशा, जब जब उसे मौका मिलता है काम को अवॉइड करने का वो उसे अवॉइड भी करता है। नंबर टू, टू गेट द वर्क अकम्पलिश्ड मोस्ट पीपल हैव टू बी कोर्स्ड फोर्स्ड एंड थ्रेटन्ड बाय पनिशमेंट, यानी कि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनसे काम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादातर लोगों से काम लेने के लिए उनको नंबर वन प्रेशर देना पड़ता है, उनको मारना पीटना भी पड़ सकता है, उनको डांटना पड़ सकता है, उनको धमकी देनी पड़ सकती है, यानी कि जो एक बॉस अपने फॉलोअर्स को अपने बंदों को धमकियां दे सकता है वही सारी धमकियां ट्रेडिशनल धमकियां उनको दी जाती हैं, और अगर सैलरी कम कर देना, छुट्टी बंद कर देना, इस तरह से। ऑल्दो बीइंग एन एम्प्लॉई, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने एक बड़ी एक ब्लेंडर मैंने कर दिया था, तो मेरे बॉस ने मेरी छुट्टी बंद कर दी थी, मेरी 5 बजे छुट्टी होती थी, तो उसने मुझे 3.5 घंटे एक्स्ट्रा बैठा के रखा और मुझे 8:30 बजे उस दिन छुट्टी मिली। मैं आपसे बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, एन एवरेज पर्सन इज बेसिकली पैसिव एंड वांट्स टू बी डायरेक्टेड एंड लेड, एक एवरेज बंदा क्या होता है, वो पैसिव होता है और वो चाहता है कि लोग, जब तक उसको लोग ना कहें वो कोई काम ना करे, जब तक उसको कोई काम आप बोलेंगे नहीं, अच्छा क्या है, मैंने करवा लिया था, हाउ इज इट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो कि मैंने करवा लिया, चलें अब तो शुरू कर दिया, थोड़ा सा पढ़ी है सर, पूछा है ना ये आपसे मैंने, अच्छा अच्छा नहीं करवाया था, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ ये, मैं अभी बस अभी होगा, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है सर, एन एवरेज पर्सन इज बेसिकली पैसिव, एक एवरेज बंदा क्या होता है, बेसिकली पैसिव होता है, यानी कि जब तक उसको किसी काम को बोला ना जाए तब तक वो काम नहीं करता। इट डज नॉट लाइक टू अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आमतौर पर ये वही लोग होते हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि वो किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करें। सही है जी। कीपिंग इन व्यू दिस ह्यूमन साइकोलॉजी, इस ह्यूमन साइकोलॉजी को रखते हुए एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द मोस्ट वर्कर्स, और जो सोशल बिहेवियर होता है लोगों का, द मैनेजर हैज टू रिजॉर्ट टू शॉटगन मैनेजमेंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ थ्योरी। जब इस तरह के लोग होंगे वो काम करने को पसंद नहीं करते, जो उनको बार बार 10 बार उनको बोलना पड़ता है तब जाकर वो काम करते हैं, देन वट यू विल हैव टू डू, आपको क्या करना होगा, आपको डेफिनेटली उनको तंग करना होगा, उनको प्रेशराइज करना होगा और उनसे इसी तरीके से काम लेना होगा। ठीक है जी, तो ये बात इसमें बताई गई थ्योरी एक्स में। अब हम बढ़ते हैं थ्योरी वाई की जाए। 15 सितंबर से कोचिंग खुलेंगे अभी तक की मालूमात के मुताबिक, तो जुलाई 2 महीने हैं अभी, 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 सितंबर, ठीक है ना, 2 महीने बाद हमारी मुलाकात जरूर होगी। अच्छा जी, थ्योरी वाई, थ्योरी वाई जस्ट ऑपोजिट ऑफ सर, उस पर भी सईद गनी ने कहा है कि अगर ओपन हुए तो नहीं, कोरोना खत्म हुआ तो, कोरोना तो खत्म जिंदगी भर नहीं होगा, ठीक है ना, कोरोना तो खत्म नहीं होता, सही, क्योंकि कोरोना होता है एक बंदे को लगता है, एक से 100 को 100 से ज्यादा को, तो बार अल्लाह बेहतर करेगा। अब थ्योरी वाई के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जब हर चीज खुल चुकी है तो अब कोई जवाब नहीं रहता किसी भी एक इदारे को बंद करने का। शादी हॉल खुल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले शादी हॉल खोलने की बात हो रही है, और बहुत जल्द आप देखेंगे ये सर दबंग किस्म का एहतजाज करेंगे। जी सर, ये बात हुई है जी। थ्योरी वाई जस्ट ऑपोजिट टू थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई जो होती है वो क्या होती है, थ्योरी एक्स से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। हेयर द मैनेजर अडॉप्ट्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसमें मैनेजर को क्या अडॉप्ट करता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करता है, यानी कि प्यार मोहब्बत दोस्ती और इखलाक वाली अप्रोच जो उसको अडॉप्ट करता है टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने किसके साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है जी। ही डज नॉट बिलीव इन कोर्शन, अच्छा ये जो मैनेजर्स होते हैं जो थ्योरी वाई के पर्सपेक्शन से चल रहे होते हैं, इनका ये यकीन होता है कि इतनी भाई बंदा कभी भी सख्ती से तो काम नहीं करेगा, कोई भी बंदा कभी भी सख्ती से काम नहीं करेगा,
ही डज नॉट बिलीव इन कोर्शन ऑटोक्रेसी, ये ऑटोक्रेसी पर भी बिलीव नहीं रखते, ठीक है ना, ये वाला है। इसके बाद एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ना ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी पर बिलीव रखते हैं। अच्छा, तो ये कौन से बंदे, ना वो बोलते हैं कि भाई मैं सारी पावर अपने पास रखूं, सारे फैसले मैं करूं, ये भी उस पर बिलीव नहीं रखते। दूसरी चीज पे वो बिलीव नहीं रखते कि मैं लोगों को डांटूं फटकारूं, मैं उस पर बिलीव नहीं रखता, यानी कि मैनेजर कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ असम्पशंस है। ऐसा मैनेजर कब कामयाब हो सकता है? अगर ऐसे मैनेजर हो कि वो खुद भी डांटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, और उसको ऊपर वाले बंदे मिल जाए, तो फिर इदारा तबाह बर्बाद होना ही होना है। अब थ्योरी बाय में कैसे लोग कामयाब होते हैं? नंबर वन, वर्क इज एज नेचुरल टू ह्यूमन एज प्ले और रेस्ट। जब आपको बंदे समझो आइसक्रीम वाला आ गया, अगर किसी को खानी है तो बता दें। अच्छा, तो द वर्क इज एज नेचुरल टू ह्यूमन एज प्ले और रेस्ट। पहली बात क्या हो गई कि काम उनके लिए ऐसा जैसे खेल, बिल्कुल ऐसे ही वो इंजॉय करते हैं काम को जैसे खेल को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। अभी अच्छा, कल जो है ना, कल शायद मैं 1:30 बजे तक अवेलेबल ना हो, तो कल शायद क्लास अगर होगी तो देखो देर से होगी, या फिर शायद ना भी हो कल क्लास ना, लॉक हो। आई विल लेट यू नो व्हाट एवर बी द सिचुएशन, ठीक है ना। लॉ में आखिरी टॉपिक क्या पढ़ाया था यार? लॉ में मैंने पता नहीं क्या पढ़ा, मिस्टेक मिस्टेक के बाद ही कुछ पढ़ाया था मैंने, पता नहीं। बताओ भाई, किसी को पता है? आप लोग पास जो ऑनलाइन है बताएं कोई क्या पढ़ा था लॉ में? नगीना इजमा फरिया क्या पढ़ा था लॉ में? जी सर, लॉ में क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम? सर देख के बताती हूँ, देखो सर देखकर बताती हूँ। ओके ओके ओके, तो वर्क इज एज सही है, समझा रहे हैं, लिखवाएंगे भी। ये आपने लिखना है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग मुझे अपने नाम लिख के मैसेज करें, मैं अभी आपको ये पूरा सवाल व्हाट्सएप कर देता हूँ। सिर्फ जो ऑनलाइन है उनको मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जो सुन रहे हैं आप लोग भी ऑनलाइन आया करें, ताकि ऑनलाइन होते तो 1-to-1 पता भी चलता है, हाँ भाई इतने बच्चों ने पढ़ा सुना देखा। आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दें मुझे, तो मैं अभी आपको कर देता हूँ ना, ठीक है। भेजना शुरू कर दिया, पारिया को मैंने भेज दिया। अच्छा, तो थ्योरी वाई में लोग कैसे हैं भाई? वो लोग ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि to get the work accomplished most people have to be forced to be excited. Number 2, coercion is unnecessary to get the work done. इसमें क्या कह रहा है कि coercion जो है वो जरूरी नहीं है, unnecessary है to get the work done. इसमें coercion की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये बताया गया। क्योंकि बगैर पोर्शन के जब जितना वो काम करेंगे उतना ही, जितना भी कुछ उनके साथ कल उन्होंने उतना ही काम करना, और वो अच्छा काम कर रहे हैं बगैर जो है वो किसी भी किस्म के प्रेशर के, बगैर अगर वो अच्छा काम करें तो यू शुड लेट देम गो अहेड, और उनको अपने तौर पर काम करने देना चाहिए। जब वो बगैर किसी पावर इस्तेमाल किए, बगैर अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, कमी से काम कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। जी हमजा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करवाया था तो कंटिन्यूंट कंट्रोल कंटिन्यूट कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स पढ़े थे इंशाल्लाह, और आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल का मेरा कंफर्म होगा सुबह सुबह, शायद 5 बजे मैं कहीं जाऊंगा, कल सुबह 5 बजे मेरा इरादा है कहीं जाने का। अगर वहाँ गया तो मैं आई होप सो कि आई विल कम बैक अप टू 2 o'clock, लेकिन बहुत थका हुआ हूँगा तो क्लास में मैं कोई शायद रात बाद में क्लास ले, लेकिन अभी कन्फर्म करूँगा, अगर लूँगा तो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है। पोर्शन बेकार। When the workers are committed to work, they will be self-motivated and drive satisfaction from the work. जब किसी कोई बंदे को हम काम देते हैं तो वो बहुत कमिटेड होता है और उसको खुद ही तस्कीन मिल रही होती है, मजा आ रहा होता है, सुकून मिल रहा होता है,
ठीक है ना, काम करना। ओके, इसके बाद है कमिटमेंट। कमिटमेंट इज अ क्रूशियल फैक्टर इन मोटिवेशन। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट जो है एक क्रूशियल फैक्टर होता है मोटिवेशन के अंदर। जब वो मतलब जबान दे, जबान वाले लोग होते हैं ना, जबान जब वो एक बार देते हैं तो अब जब वो कोई जबान दे देते हैं तो फिर वो कभी भी जबान से पीछे नहीं। तो कमिटमेंट इज अ क्रूशियल फैक्टर एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ रिवॉर्ड कमिंग फ्रॉम इट। कमिटमेंट की क्रूशियल फैक्टर होता है और जब वो काम करते तो उनको मजा भी आता, तो वही उनका रिवॉर्ड होता है जो सेटिस्फेक्शन उनको मिल रही होती है, ठीक है ना। एन एवरेज पर्सन एक्सेप्ट एंड इवन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्रॉपर एनवायरनमेंट। यानी कि फ्यूरी वाई कहती कि हर बंदा जो है ना सिर्फ काम को कबूल करता है बल्कि वो काम की तलाश में होता है, वो ढूंढता है कि उसको काम मिल जाए, अगर काम उसको मिल जाए तो वो काम कर ले। ये बात भी यहाँ पर बताई गई, ना सिर्फ वो काम करते हैं बल्कि दे लव देयर वर्क और वो चाहते हैं कि उनको काम मिले ताकि वो काम भरपूर अंदाज में करें, ठीक है जी। एवरेज पर्सन एक्सेप्ट्स एंड इवन सीक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो बकायदा न सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि वो ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें काम दिया जाए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे बिल्कुल इदारों के अंदर के जब वो किसी इदारे में जॉब कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा उस इदारे से वो अटैच हो जाते हैं कि बस उनका बस नहीं चलता कि जो है वो अपना और ज्यादा वो एफर्ट्स लगाए उसमें। खैर आगे बढ़ते हैं। एज अगेंस्ट पॉपुलर बिलीफ मोस्ट पीपल आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। अच्छा, थ्यूरी वाई के लोग क्या होते हैं, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टर होते हैं, ये खुद काम करते हैं, इनको काम करने के लिए डांटना टपटना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, तो ये लोग जो होते हैं बेसिकली ये बहुत तवज्जो देते हैं काम पर और ये काम को करने के नए नए आइडियाज डेवलप करते हैं, नए नए तरीके ये लोग निकालते हैं जिससे काम किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्फ स्टार्टर भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, इनोवेटिव भी हैं, नए नए तरीके खुद ही निकालते हैं। इनको आप इनसे काम करवाने के लिए आपको किसी भी किस्म का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ऑल्दो व्हाट आई बिलीव कि ऐसे लोग आपको बहुत ही मुश्किल से ढूंढने से मिलेंगे, ऐसे मार्केट में आ नहीं रहे आपको। इन मॉडर्न बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन पोटेंशियलिटीज आर लिटिल यूटिलाइज्ड। और वो ये कहते हैं कि अगर हम बहुत ही सख्त माहौल बनाते हैं और बहुत ही प्रेशर देते हैं अगर लोगों पर, उससे हमें नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि हम इतना लोगों पर जब प्रेशर देंगे तो लोग काम करने को तैयार ही नहीं होंगे, और अगर उनकी कोई गलती भी हो जाएगी उनसे तो हमसे छुपाएंगे, कोई भी बात वो हमें नहीं बताएंगे। जब इस तरह से वो हमारे साथ करेंगे तो हाउ विल वी मैनेज, हम किस तरीके से कारोबार को मैनेज कर पाएंगे। तो ये इसमें कहा गया कि अगर आप सख्ती किसी पर करते हैं तो वो इदारा ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग उसमें इन्वॉल्व जो हैं उनको इश्यूज इसमें आते रहेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन पोटेंशियलिटीज आर लिटिल यूटिलाइज्ड, आपने सुन लिया। इसके बाद है बोथ द थ्योरीज रिप्रेजेंट एक्सट्रीम व्यू पॉइंट। अब दोनों थ्योरीज क्या करती है, दोनों थ्योरीज एक्सट्रीम व्यू पॉइंट जो है वो बताती हैं। दोनों एक्सट्रीम व्यू पॉइंट कैसे हैं, एक तरफ बिल्कुल ही आपने निकम्मे दिखा दिए, बिल्कुल ही नाकारा लोग थ्योरी एक्स के अंदर, दूसरी तरफ जो आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ही काम करने वाले और बहुत ही अच्छे लोग दिखा रहे हैं। अगर हकीकत ही होता है, मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं कम, इतने बुरे लोग भी होते हैं कम,
लेकिन बेसिकली द रियल एनवायरनमेंट इज समवेयर एल्स, इन दोनों के दरमियान कहीं रियल एनवायरनमेंट होता है. बोथ द थ्योरीज रिप्रेजेंट एक्सट्रीम व्यू पॉइंट बट बोथ आर वर्केबल इन डिफरेंट टाइम्स एंड सिचुएशंस एंड देयरफॉर एनी ऑफ देम कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड. एनी ऑफ देम कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड, दोनों जो है वो दोनों को कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता. दोनों कई कई सिचुएशन में डेफिनेटली अवेलेबल भी होती हैं और अप्लाई भी होती है. अच्छा, इस पे कुछ क्रिटिसिज्म. द क्रिटिक्स ऑफ द थ्योरीज हैव ओपिनियन दैट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर लाइज समवेयर बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वन. अच्छा, इस थ्योरी पे क्या किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तनकीद की. तनकीद करने वालों ने ये कहा कि बेसिकली होता यह है कि इन दोनों के दरमियान जो है जो असल जो थ्योरी हमें चाहिए वो इन दोनों के कहीं दरमियान है, और दरमियान में जो बेसिकली थ्योरी है वो थ्योरी जेड को उन्होंने नाम दे दिया, एक नई थ्योरी उन्होंने निकाल दी. टू देम थ्योरी जेड इज मॉडरेट वन एंड इट प्रेजेंट्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम. उन्होंने कहा कि थ्योरी जेड जो है एक्स और वाई के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है, और थ्योरी जेड जो है इसका सोल्यूशन दे दिया. अच्छा, थ्योरी जेड हमारे सिलेबस में ही नहीं, ठीक है, हम पढ़ लेंगे कभी, जिक्र तो है अलग फुलगा इसका, हम पढ़ लेंगे. ये भी यहाँ पर ही सवाल हो गया कंप्लीट, मैंने आप लोगों को ये सवाल दे दिया है, ठीक है ना. अच्छा, मैं एक और सवाल आपको दे देता हूँ, चलें ये भी अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा. ठीक है ना, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन टू द पीपल हु आर ऑनलाइन. नगीना, आर यू देयर? नगीना, आपने मैसेज नहीं किया था. ओनैन बेटा, आपने मैसेज नहीं किया. यस सर, आई एम हियर. अच्छा, हमजा, इस्मा और फरिया, आपको मैंने भेज दिया, ठीक है. ओनैन आपको ही मिल जाएगा, कोई इशू नहीं. और आप लोगों को मैंने दो सवाल मैंने भेज दिए डिटेल पूरी, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है. दूसरा देखता हूँ अभी, वो कॉपी पेस्ट हुआ होगा ना. अच्छा जी, अब हम एक नया सवाल शुरू कर, नए सवाल के बारे में आज थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा. वैसे तो मैंने शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, अब हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल में जाकर. अब ये जो थ्योरी है ये है टू फैक्टर थ्योरी. टू फैक्टर थ्योरी, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग डिस्क्राइब टू वाइटल फैक्टर्स इन एनर्जी जॉब, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन फैक्टर्स. या तो ये सवाल 2013 में जिस तरह से आया है एज इट इज लिखा हुआ है, इसके अलावा ये आता है टू फैक्टर थ्योरी के नाम से लिखा हुआ था कि अगर टू फैक्टर थ्योरी एक्सप्लेन करें, तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ जाए उसके लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार होना है, सही. अब टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग क्या कह रहे हैं. फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग वाज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी. तो भाई ये कौन थे, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक प्रोफेसर थे किसके, साइकोलॉजी के. जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नफ्सियात से आपकी ये सब्जेक्ट ताल्लुक रखता है, ये सब्जेक्ट का ताल्लुक आपकी साइकोलॉजी से डेफिनेटली ताल्लुक है. रिजर्व यूनिवर्सिटी USA अमेरिका में थे ये, और इन्होंने बस बैठ बैठ के थ्योरी लिख दी है हमारे और आपके लिए और हम पढ़ रहे हैं. ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ मोटिवेशन. इन्होंने क्या करा, इन्होंने 200 बंदे लिए जिसमें इंजीनियर्स लिए और अकाउंटेंट्स लिए, टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ मोटिवेशन, ताकि वो अंदाजा लगा सकें कि भाई ये जो बंदा जॉब कर रहा है ये किस चीज से मोटिवेट हो के जॉब कर रहा है. तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने क्या कहा, एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट थे, और ताकि मिस्ट्री ऑफ मोटिवेशन जो उसका पता लगाया जा सके, ताकि अंदाजा हो कि भाई क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है ना. तो ही आस्क्ड देम टू डिस्क्राइब दोज मोमेंट्स दैट स्पेशली वर either happy or unhappy ones
और तमाम के तमाम इंजीनियर्स से, तमाम के तमाम अकाउंटेंट से उन्होंने एक ही सवाल किया कि अपनी जॉब के वो लम्हात बताएं कि जिन लम्हात में या तो आप बहुत ज्यादा खुश थे या तो आप बहुत ज्यादा गमगीन थे। ठीक है जी, इनसे वो सवालात पूछे गए। He inferred two following important factors which are characterized as follows. उन्होंने दो important factors की बात की। एक जो उन्होंने नाम दिया maintenance factors का नाम दिया। Maintenance factors कौन से होते हैं? Maintenance factors वो होते हैं, maintenance factors are those that are the minimum requirement for a job. If any employee of an organization did not get maintenance factors, then he will not remain on the job. And definitely he will switch or leave the job. तो क्या लिखा मिलेंगे इसमें? Herzberg studied this. Frederick Herzberg इनका नाम था ना पूरा. Discovered the following maintenance factors which are minimum requirement of a job. तो ये factors हैं Frederick Herzberg ने दिए, जो Frederick Herzberg के मुताबिक minimum requirement for a job थे, कि अगर ये minimum requirement होगी पूरी तो बंदा काम करेगा, अगर ये minimum requirement पूरी नहीं होती है तो बंदा काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ओके। नंबर वन, कंपनी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। सबसे पहले कंपनी की मैनेजमेंट और पॉलिसी, कि कंपनी मैनेजमेंट कौन है, उसकी पॉलिसी क्या है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और कंपनी की पॉलिसी भी सही नहीं है तो फिर डेफिनेटली वहां पर काम करना ठीक नहीं होगा। सही। नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल सुपरविजन, कि आपको कितना टेक्निकली सुपरवाइज किया जा रहा है, आपका कितना ख्याल रखा जा रहा है, कितने लोग हैं आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले। अब कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो अगर टेक्निकल आपको सपोर्ट नहीं है तो फिर आपको तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जहाज उड़ा रहा हूँ, अब नीचे से बैठा हुआ कोई मुझे नहीं बता रहा कि रनवे कब आ रहा है या कौन सी आगे चट्टान आने वाली है, कुछ आने वाला है, अब मुझे क्या नजर आ रहा है? अब मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था, मैंने उतारा था अमेरिका में जहाज, मैंने उतार दिया जापान में, या मैंने कभी उतारा नहीं, मैं ऊपर ही ले गया मैं जहाज को हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन खला में ले गया। बहुत सारे जहाज हैं जो आज तक इनका कोई नामो निशान नहीं मिला, है ना। वेल, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे अजीब दुनिया है ना, कितनी बड़ी है। जब मैं जहाज में कभी बैठता हूँ, बादलों से जब ऊपर जाता है 35-36 हज़ार पता नहीं कितने फिट बुलंदी के ऊपर, बादल नीचे नजर आ रहे होते हैं, हम ऊपर जा रहे होते हैं। स्पेशली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना दिन के उजाले में सफर करूँ, कभी मजबूरी में रात में दिन के उजाले में ना, क्योंकि हर चीज़ क्लियर नजर आ रही है, स्पेशली जब सनराइज हो रहा हो, क्या इन्वायरमेंट होता है, सनराइज हो रहा होता है, हल्का सा बादल होते हैं, पूरा नजर आ रहा होता है, बहुत ही जबरदस्त व्यू होता है। आप देखिएगा कभी, लेकिन पीआईए में मत बैठ के देखिएगा, जाली पायलट आ रहे हैं उसमें आजकल। ओके, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने क्या कहा कि भाई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो बंदा जॉब करेगा, अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बंदा जॉब भी नहीं करेगा। तो अगर इन चीजों की सेटिस्फेक्शन इन चीजों से नहीं मिलती तो बंदे को जॉब छोड़ देनी चाहिए, या वो छोड़ देगा, वैसे ही छोड़ देगा, वैसे ही नहीं करेगा। तो ये क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। कंपनी मैनेजमेंट पॉलिसी आपने सुन लिया, टेक्निकल सुपरविजन भी आपने सुन लिया, वेल्डिंग है, और बहुत सारे काम है जिसमें टेक्निकल सुपरविजन लास्ट। इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर्स, ये सुपरवाइजर्स, अगर आपका सुपरवाइजर सही नहीं, अगर आपका सुपरवाइजर सही नहीं, ठीक है ना, तो सुपरवाइजर अगर सही नहीं होगा ना तो आप नफसियाती बीमार हो गए। अच्छा, घर में इंसान, मर्द स्पेशली या वर्किंग पीपल, जो भी चाहे औरत हो या मर्द, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो ज्यादातर अपने घर से ज्यादा वक्त पता है किसके साथ गुजारता है, अपने बॉस के साथ, अपने घर से भी ज्यादा वक्त किसके साथ, बॉस के साथ। अब अगर उस वक्त में आप टॉर्चर सहते रहेंगे, उसकी बातें गलत सुनते रहेंगे,
a time will come when you feel that no, I'm not right for this job. I should leave this job. ठीक है ना? मतलब मैंने देखे कुछ ऐसे लोग के वो अपने बॉस से तंग थे बहुत, और इतने ज्यादा वो अपने बॉस से तंग थे कि एक ऐसा वक्त आ गया उन्होंने जॉब छोड़ दी, और जिन्होंने नहीं छोड़ी उन्होंने ऐसा रगड़ा एक जमाने में बॉस को, सही वाला रगड़ दिया, ये भी होता। तो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक है जी। अच्छा, तो टेक्निकल सुपरविजन की बात हो गई, सुपरवाइजर अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आपको बॉस सही ना मिले ना आपकी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर वो बंदा सही नहीं है और आपका ख्याल नहीं रखता है, देन इट इज बेटर फॉर यू टू लीव द जॉब। अगर वो बंदा सही नहीं है तो वॉट शुड यू डू, यू शुड लीव द जॉब इमीजिएटली। आपको फौरन वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, आपको फौरन नौकरी छोड़ देनी चाहिए, आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम, मेरा 100% यही मानना है कि अगर बंदा सही नहीं है, आपके बंदे से नहीं बनती है, जस्ट लीव द जॉब, छोड़ दें जॉब यार, कोई और जॉब देखो, क्योंकि मेंटली टॉर्चर से बीमारियां लगेंगी, बीमारियां लगेंगी तो फिर फायदा, फायदा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉम्पियर्स। कॉम्पियर्स कॉम्पियर्स कौन लोग होते हैं? कॉम्पियर्स वो लोग होते हैं जो आपके बराबर बराबर जॉब करते हैं, कि आपके हम मनसब आपके बराबर लेवल पर आकर नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, आपके बराबर लेवल पर आकर जो लोग नौकरी करते हैं, they are the people के जो लोग आपके हम सब होते हैं, और वो भी अगर आपको तंग करें वो भी मसला होता है। अगर आपके हम सब को तंग करें, टीज करें, तो ये भी एक मसला है। अगर अच्छे बंदे नहीं होते तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट्स देखिए, हाँ ये भी, अगर कोई जूनियर, अगर मेरा सीनियर मुझे कोई डांट देता है, डेफिनेटली आई विल फील बैड बट नॉट इनफ, इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई जूनियर ने मुझे डांट दिया तो फिर मेरे सर पे तो आसमान गिर गया, अब तो पता नहीं मेरे क्या हालात हो जाएंगे। सारी बात समझ में। अगर कोई जूनियर डांट दे तो ज्यादा तकलीफ हो। ठीक है ना। चलें बस आज अब यहीं पर रोकेंगे, एक सवाल हमने कम्प्लीट भी आज से कर लिया, तो यहीं पर रोकते हुए इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगर कोई सवाल यहाँ तक है तो आप पूछ लें, अदरवाइज